रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पति नमः। अयोध्या धाम में भरत आत्मा श्रद्धेय अशोक जी सिंगल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए वेद पुरस्कार 2024 के आज के समारोह में जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्री रामचंद्र भूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, श्रद्धे भैया जी जोशी जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हमारे महामंत्री और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान श्रद्धेय अशोक जी के सानिध्य में जिन्होंने इस पूरे अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया है, ऐसे सम्मान्य श्री चंपत राय जी मंच पर उपस्थित हैं। तमिलनाडु से आज यहां पर उपस्थित एक अत्यंत प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संत से अय्या जी, सिंगल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री सलील सिंघल जी, न्यासी संजय सिंघल जी, निर्णायक समिति के सदस्यगण, अयोध्या धाम के हमारे सभी पूज्य संतजन, जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य विद्या भास्कर जी महाराज और अन्य पूज्य संतजन आज यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उपस्थित फाउंडेशन से जुड़े हुए पदाधिकारी गण, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे माननीय विधायक जी, माननीय दिनेश जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज एक अत्यंत पवित्र कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हैं और मेरा मानना है कि 22 जनवरी 2024 को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त होकर के पूज्य संतों का जो संकल्प था और श्रद्धेय अशोक जी की जो साधना थी, श्री राम जन्म भूमि पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर और उस मंदिर में प्रभु श्री रामलला का विराजमान होना, यह 5 सदी की सबसे उत्कृष्टतम घटनाओं में से एक थी, उत्तम घटनाओं में से एक थी और आज उसी प्रकार के कार्यक्रम को एक नई कड़ी के रूप में अयोध्या धाम के साथ जोड़ा जा रहा है। इस समारोह के ठीक पहले श्रद्धेय भैया जी के साथ में मैं तमिलनाडु से पधारे हमारे अत्यंत प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संत श्रद्धेय अय्या जी के साथ में हम लोगों ने श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न करने में का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और अब भारत आत्मा श्रद्धेय अशोक जी की स्मृति को और भी जीवंत बनाए रखने के लिए वेद पुरस्कार का एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है।
मैं सबसे पहले ज्यूरी के सदस्यों को, उत्कृष्टतम विद्यार्थी को, उत्कृष्टतम शिक्षक को और उत्कृष्टतम संस्था को इस पुरस्कार प्राप्त होने पर, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी की ओर से, पूज्य संतों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि वेदो अखिलो विश्व मूलम का जो उद्घोष है, यह केवल एक उद्घोष नहीं है, अखिल विश्व के धर्म का कोई मूल है तो वह हमारा वेद है। और वेद के इस महत्व को किसी ने समझा था और किसी ने उसको अपने जीवन में अक्सर सह उतारने का कार्य किया था तो सर्वे अशोक जी उसके एक प्रमुख मूर्तिमान नक्षत्र हम सबके सामने थे। भारत आत्मा अशोक सिंगल पुरस्कार उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी को, शिक्षक को, संस्था को प्राप्त हो रहा है और पहली बार अयोध्या धाम में पुरस्कार दिया जा रहा है और अयोध्या धाम में भी सरदे अशोक जी की कर्म साधना की स्थली में दिया जा रहा है। इससे उत्तम दूसरा स्थान हो ही नहीं सकता इस पुरस्कार के लिए। सरदे अशोक जी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और जब ये डिग्री दुर्लभ होती थी तब ली थी, लेकिन जीवन उनका समर्पित था सनातन धर्म के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दुनिया का एक ही धर्म है, वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा और समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर सनातन धर्म खतरे में पड़ेगा तो विश्व मानवता का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा और इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन पूरी तरह सनातन धर्म के लिए समर्पित किया था और उसका माध्यम उन्होंने बनाया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय काराध्यक्ष के रूप में और राम जन्मभूमि आंदोलन और अशोक सिंगल जी एक दूसरे के पूरक सी बन गए थे। सोते जागते उड़ते बैठते एक ही ध्येय, एक ही मूल्य, एक ही मुद्दे के लेकर के वे कार्य करते थे कि जैसे भी हो हमें राम जन्मभूमि फिर से लेकर के रहना है और इसके लिए जो भी माध्यम हो सकते हैं, और शांति का हो या क्रांति का, सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए वेद विद्यालयों की स्थापना हो या सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में एकल विद्यालयों की स्थापना का कार्य, पूज्य संतों का सानिध्य लेकर के हर मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सभी पूज्य संतों को एक मंच पर लाने का कार्य हो या फिर अछूतोद्धार के लिए किए जाने वाले उनके स्थूल्य प्रयास, इस श्रद्धेय अशोक जी जीवन पर्यंत करते रहे। कोई पूछता था अशोक जी से कि राम जन्मभूमि का आंदोलन, वो कहते थे भी आंदोलन मात्र नहीं है, वेद विद्यालय की स्थापना या एकल विद्यालय की स्थापना का जो हमारा कार्यक्रम है यह भी इस आंदोलन का हिस्सा है। और उनसे जब कोई पूछता था तो एक ही बात कहते थे, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे
संस्कृतः संस्कृतिस्तथा, यानी दो ही हैं, भारत की प्रतिष्ठा दो में ही हो सकती है, एक संस्कृत में और दूसरा संस्कृति में। ये हमारी सनातन संस्कृति, यही संस्कृति, यही भारत की आत्मा है और यही विश्व की आत्मा है। और ये नाम पूज्य गोविंद देव गिरी जी ने जब दिया कि भारत आत्मा अशोक सिंगल, तो मुझे लगता है इससे उत्तम कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता था, क्योंकि अशोक जी का पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, भारत और भारतीयता के लिए समर्पित था। उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, अपमान सहा, लेकिन तनिक भी विचलित नहीं हुए अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से। पूज्य माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पाठशाला में सीखे गए संस्कारों से तनिक भी विचलित हुए बगैर, बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर कार्य करते रहे। और परिणाम है कि जब सच्ची साधना होती है तो परिणाम तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। वह भी हम लोगों ने देखा है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ, पूज्य संतों का संकल्प पूरा हुआ और अयोध्या में प्रभु श्री रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए हैं। आज श्रद्धेय अशोक जी को स्मरण करने का एक अवसर है, जब हम लोग इस अवसर पर सनातन धर्म के मूल्यों से जुड़े हुए उन सभी मान बिंदुओं की स्थापना के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे। मुझे याद है एक सामान्य कार्यकर्ता गोरक्षक से सुन्नर यादव की आजमगढ़ में गौ तस्करों ने हत्या कर दी थी, आंदोलन में स्थानीय स्तर का आंदोलन था, तो मैं भी गोरखपुर से पहुंचा था। मैं भौचक था कि मेरे पहुंचने के तुरंत बाद श्रद्धेय अशोक जी भी इस आंदोलन में आ गए। अरे गोरक्षक की हत्या हुई है और ये कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं। और वहां पर उस आंदोलन में स्वयं अशोक जी आए थे, उस गोरक्षक के घर गए थे और उसके परिवार को संबल भी दिया था और अपराधियों को फिर जेल के अंदर भेजने में उन्होंने उस समय आंदोलन को एक नई गति देने का काम भी किया था। अनेक वेद विद्यालयों की स्थापना के लिए भी उनके द्वारा किए गए प्रयास एक नई प्रेरणा थी और अक्सर इसके बारे में चिंतन करते थे। जब कभी एकांत में बैठी, राम जन्मभूमि आंदोलन के अलावा किसी एक मुद्दे पर चर्चा होती थी तो फिर वे बोलते थे कि नहीं, हमें यह भी काम करना है, ये एक कार्यक्रम इस रूप में होगा। अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह गढ़ने, उनको रखने, उनको नेतृत्व देने, इन सभी कार्यक्रमों के साथ वे जुड़ करके उस अभियान को आगे बढ़ाते थे। और दूरदर्शिता तो वह, जब सारे लोग बोलते थे, लोग विरोधी लोग पूछते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, पूरे दृढ़ता के साथ श्रद्धेय अशोक जी कहते थे हाँ अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। और जब दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं था तब उन्होंने राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का ऑर्डर भी दे दिया था। यह है दूरदर्शिता। मैं सिंगल फाउंडेशन को इसलिए अभिनंदन भी करूंगा कि उन्होंने आज एक कार्यक्रम यहां पर शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित किया है। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस भी पूरे भारत को जोड़ता है और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक लंबे समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। भारतीय दर्शन पर उनकी जो पकड़ थी वह भी, वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक उत्कृष्ट शिक्षक थे, भारत के सनातन मूल्यों के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी, भारतीय दर्शन के वे ज्ञाता थे और उनकी स्मृति में भारत 5 सितंबर की तिथि को शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। कितना अच्छा संयोग है
शिक्षक दिवस में देश के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को हम स्मरण कर रहे हैं और सर्वे राधाकृष्णन जी भी तमिलनाडु से, तमिलनाडु में ही उनका जन्म हुआ था। करुण भूमि पूरा भारत था, देश की स्वाधीनता के लिए भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और आज अयोध्या धाम में हम लोग श्री रामनाथ स्वामी जी के मंदिर का भी आज भव्य कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के साथ साथ श्रद्धेय अशोक जी की स्मृतियों को वेद पुरस्कार के माध्यम से एक नई गति दे रहे हैं, नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। अशोक सिंगल फाउंडेशन का मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिन संस्थाओं को, जिन शिक्षकों को और जिन छात्रों को, जिन विद्यार्थियों को, वेद पाठी विद्यार्थियों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, जूरी के कठिन चयन की प्रक्रिया के साथ गुजरने के बाद वे आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है ये कार्य और अच्छे ढंग से आगे बढ़ने चाहिए। हम लोग इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, सौहार्द के लिए पूरी दुनिया के अंदर कहीं कोई घटना घटित होती है तो आज आशा भरी निगाहें भारत की ओर, भारत के नेतृत्व की ओर होती है। भारत की मजबूती के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए हम सबके प्रयास भी वहीं से आगे बढ़ने चाहिए, उसी गति से आगे बढ़ने चाहिए। और जब भी दुनिया के अंदर शांति और सौहार्द की बात होगी, प्रत्येक नागरिक के सुख और समृद्धि की बात होगी तो रास्ता भारत की ओर से ही जाएगा, भारत के गुरुकुलों से ही जाएगा, भारत ही उसका नेतृत्व करेगा। और इसके लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने 2047 में एक विकसित भारत की संकल्पना का एक मानचित्र हम सबके सामने रखा है। विकसित भारत हर एक दिश से विकसित होना चाहिए, केवल भौतिक दिश से ही नहीं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी। और इसलिए नागरिक कर्तव्य इसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का विराजमान होना गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करने के अभियान को एक नई गति दे चुका है। अब यह कभी थमने वाला नहीं है, ये न रुकेगा, ये न डिगेगा और ये न झुकेगा, ये आगे बढ़ेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन नागरिक कर्तव्य भी हमारे मन में उसी श्रद्धा भाव के साथ जगने चाहिए। अब अधिकारों की चिंता कम, कर्तव्यों की ज्यादा हमें करनी होगी, अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने कार्यक्षेत्र के लिए, जो जिस कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहा है उसमें भी उत्कृष्टतम कार्य वो करके दिखाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और अगर हम कर पाएंगे तो सनातन धर्म की यही शिक्षा है, यही हमें अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति यही कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर अपने कर्तव्यों के माध्यम से प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं श्रद्धेय अशोक जी सिंगल जी के नाम पर जो वेद पुरस्कार आज यहां प्रदान किए गए हैं, इसके लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्कृष्टतम वेद विद्यार्थी